विपक्ष के हमारे सभी कुछ साथियों ने यहां महंगाई का मुद्दा भी उठाया। अच्छा लगता, देश का भी भला होता अगर आपकी ये चिंता तब भी होती जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। ये दर्द उस समय भी होना चाहिए था। आप शायद भूल गए, मैं जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे कार्यकाल में देश को डबल डिजिट महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। हमारे आने से पहले यह स्थिति थी। कांग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाई उसके नियंत्रण से बाहर है। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाई कम करने के लिए किसी अलादीन के जादू की उम्मीद न करें। ये आपके नेताओं की असंवेदनशीलता। हमारे चिदंबरम जी जो कि इन दिनों इकोनॉमी पर अखबारों में लेख लिखते हैं, जब सरकार में थे तब क्या कहते थे? उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके? वो कहते थे 2012 में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपये की पानी की बोतल और 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन गेहूं चावल पर 1 रुपया बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं के होता। ये आपके नेताओं के बयान यानी महंगाई के प्रति कितना असंवेदनशील रवैया था, ये चिंता का कारण है। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई देश के सामान्य मानवी से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहले दिन से सतर्क और संवेदनशील रह करके इस मसले को बारीकाई से हैंडल करने का प्रयास किया है और इसलिए हमारी सरकार महंगाई नियंत्रण को अपनी वित्तीय पॉलिसी का प्राथमिक लक्ष्य बनाया। हमने माननीय जी 100 साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए, सामान्य मानवी के लिए। दादा आपके काम की बात है, अरे आपके काम की बात है, मजा बोले आपके काम आएगा, थोड़ा मैं आगे जाऊंगे तो आपके काम आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए, सामान्य मानवी के लिए, खासकर गरीब के लिए महंगाई बर्दाश्त की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमने क्या किया है, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 के 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है, 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद
आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो क्या आगे आपकी मजा होने वाली है, जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे, जैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा है वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए आपकी इच्छा रहती है ना मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए, आज आपके नेता कहेंगे बजा आ गया। मैंने देखिए पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए कहते रहे, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं पंडित नेहरू जी, आगे कहते हैं अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी तब कहे थे, मान्य अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार आज सत्ता में होती क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। आज दुनिया में अमेरिका और ओईसीडी जैसे देशों में महंगाई 7% है, करीब 7%। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है, हम ईमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं।